नमस्कार दोस्तों, आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रांगण में संपन्न हुई। कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों ने एक सहमति और एक स्वर से श्री राहुल गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बने रहने, मार्गदर्शन करने, नेतृत्व करने का आग्रह किया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने श्री राहुल गांधी जी से अनुरोध किया कि आज मौजूदा सरकार जिस प्रकार से संवैधानिक प्रावधानों पर, नागरिकों के अधिकारों पर, संस्थाओं पर एक संगठित तरीके से आक्रमण और अतिक्रमण कर रही है, ऐसे मुश्किल वक्त में देश को एक मजबूत विपक्ष का मार्गदर्शन देने के लिए और कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व देने के लिए श्री राहुल गांधी ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। श्री राहुल गांधी जी ने सब कांग्रेस कार्य समिति और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए ये कहा कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक जुम्मेवार विपक्षी नेता के तौर पर लोहा लेते रहेंगे। इसके लिए वो कटिबद्ध भी हैं और कर्तव्यबद्ध भी, परंतु उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर दिया और कांग्रेस कार्य समिति से अनुरोध किया कि कार्य समिति के सदस्यों के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणों, विधायक दल के नेता गणों, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद गणों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव गणों, उनसे भी एक ब्रॉडर कंसल्टेशन की जाए, ताकि एक वाइडर कंसल्टेशन के बाद एकमत राय दोबारा से कांग्रेस कार्य समिति के समक्ष आए। कांग्रेस कार्य समिति ने 5 सब ग्रुप्स बनाकर देश के अलग अलग हिस्सों से आए कांग्रेस अध्यक्षों, सांसद गणों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव गणों, विधायक दल के नेता, उन सब से मंत्रणा की है और कुछ मंत्रणा अभी भी चल रही है। ये 5 सब कमेटियां जो कांग्रेस कार्य समिति की हैं, अपनी रिपोर्ट तैयार करके आज रात को ही 8 बजे कांग्रेस कार्य समिति के समक्ष पेश करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी, कांग्रेस नेताओं और कार्य समिति का ये मानना है कि असमंजस की जो ये स्थिति बनी है, इसका आज निवारण अवश्य हो जाए, और इसलिए कांग्रेस कार्य समिति की अगली बैठक आज शाम को 8 बजे बुलाई गई है। टू पुट इट वेरी वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश फ्रेंड्स, ए मीटिंग ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी वॉज हेल्ड टूडे इन द प्रीमिसेस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी यूनैनिमसली एंड इन वन वॉइस said they only want leadership of Shri Rahul Gandhi, for that is the voice of Congress workers from Kashmir to Kanyakumari, from Porbandar to Tripura. Congress working committee members also emphasized upon Shri Rahul Gandhi that currently the BJP government is subjugating the constitution, suppressing the voice of dissent, is deriding the democratic process, and democracy per se is in danger on account of the overwhelming majority that they enjoy and refuse to listen to voice of people of India. And in such a situation, the voice of a strong opposition needs to be heard, and that is Shri Rahul Gandhi. Shri Rahul Gandhi thanked the members of the Congress Working Committee for their confidence. He also thanked Congress workers across the country for their wishes and confidence, but said
that his decision to withdraw, no, to not withdraw his resignation is final. He also said that he will continue to work with full force along with Congress leaders and workers to take on the might of this government. Congress Working Committee accordingly divided itself into five groups. Congress Working Committee decided that a wider consultation is required as wished by Congress President Shri Rahul Gandhi with the leaders of the CLP, with the President of the State Congress Party, with AICC secretaries, with Lok Sabha and Rajya Sabha MPs, so that a comprehensive view on the next president comes forward in a democratic fashion. Those five groups have met today, some are still meeting. A second meeting of the Congress Working Committee has been called today itself at 8 o'clock, where the reports of the subgroups after consultation with these leaders in order to ensure assimilation of the thought process of the entire country will be presented to the Congress Working Committee, so that in a decision on the new president or an interim president or another arrangement could be taken.